अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निमराज वर्ल्ड। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। आज मैं ये वीडियो लाई हूँ, एक रिव्यू वीडियो ब्यूटी फैबे आमना के प्रोडक्ट्स पर। ये उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने यूज किए हैं और इनके रिव्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो जस्ट जंप इन द वीडियो एंड बिफोर दैट प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स एंड लाइक माई वीडियो एंड If you haven't subscribed, please subscribe it. First of all, we have their wipes. ये उनके charcoal makeup cleansing wipes हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। These are alcohol free और toner and hydrating. ये बहुत अच्छे हैं, इनकी fragrance बहुत अच्छी है और they are black in the color. Look, और इसकी fragrance बहुत अच्छी है and ये बहुत ही अच्छे तरीके से मेकअप को क्लीन करते हैं। आई हाईली रिकमेंड दीज वाइप्स। इनकी प्राइस थोड़ी सी हाई है अकॉर्डिंग टू अदर वाइप्स, लेकिन ये अगर आप उनकी काफी सारी डील्स निकलती रहती हैं तो डील्स में लेंगे तो आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ेंगे। देन वी हैव देयर वेरी वेरी फेमस पोरफिट फाउंडेशन प्राइमर। ये एक ऑयल फ्री प्राइमर है, इसमें ये ऐसी बॉटल है, ठीक है, और इसमें आपको 30 ml प्रोडक्ट मिलता है और ये एक जेल बेस्ड प्राइमर है और इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन पीपल। जिनकी ऑयली स्किन है और ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। ये देखें, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना जेल फॉर्म में है बिल्कुल। लुक, ये बहुत ही अच्छे से स्किन में सोक इन हो जाता है। दिस इज देयर काबुकी ब्रश। मैंने ये अलग तो नहीं ऑर्डर किया था, लेकिन मैंने क्योंकि ज्यादा कुछ ऑर्डर किया था तो मुझे एक कोट लगाने पर ये फ्री मिल गया था। दिस इज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी जेंटल टू योर स्किन। इससे फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। दिस इज देयर 3D काबुकी FP301 और इसकी शेप बहुत अच्छी है। और सबसे मजे की बात कि ये आपके फाउंडेशन की क्रैक्स नहीं बनाता, लाइन्स नहीं बनाता और बहुत अच्छे से उसको बफ करते जाए आपकी स्किन में, और साथ में ये ज्यादा प्रोडक्ट खुद पे नहीं लेता, आपकी स्किन पे रहने देता है। ये उनके फाउंडेशन ब्लेंडर्स हैं जो कि बॉम है। लाइक गाइस, के मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मैं आपके साथ वही प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है इनके। और इनके प्राइसेस थोड़ी सी हाई हैं, लेकिन डील्स में आप लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रीजनेबल पड़ जाती हैं। ये उनके फाउंडेशन ब्लेंडर्स हैं, आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं। और ये वाला जो ब्लेंडर है ये बिल्कुल नया है, और ये जो है ये डैम ब्लेंडर है। इसको मैंने गीला किया है और अच्छे तरीके से निचोड़ लिया। आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट डबल इन साइज है। ये देखें, ये इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखें कि अगर मैं अपने हाथ के अंदर इसको पूरा दबा लिया है ना, तो ये इतना सॉफ्ट है कि बिल्कुल साथ हो जाता है एंड जस्ट दोबारा से वापस आ जाता है। मैंने इसको काफी बार यूज किया और उसके बाद मैं अच्छे तरीके से, आप किसी बेबी शैम्पू के साथ या फेस वॉश या फिर स्पॉन्ज या मेकअप ब्रश क्लींजर के साथ आप इसको वॉश कर ले और ये बहुत ज्यादा देर निकल जाता है। लुक, ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत जेंटल है आपकी स्किन पे, और ये जो फाउंडेशन है ना उसको खुद में सोक नहीं करता, आपकी स्किन पे अच्छे तरीके से उसको सेट कर देता है फाउंडेशन को। कोई भी क्रैक्स नहीं रहते हैं और कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहते। सो दिस इज हाईली रिकमेंडेड। मतलब इनके सारे प्रोडक्ट्स में से मैं आपको इनका प्राइमर और दिस ब्यूटी ब्लेंडर, अगर आपने प्राइमर नहीं भी लेना ना तो ये ब्यूटी ब्लेंडर जो फाउंडेशन ब्लेंडर है ना, दिस इज अ मस्ट हैव। एंड यस गाइज, दिस वीडियो इज नॉट पेड। मैं तो अभी बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया है, सो आई एम नॉट कोलैबोरेटिंग विद एनी ऑफ द ब्रांड्स। ये जितने भी व्यूज मैं करती हूँ ये मैं खुद से जो मैंने खरीदी हुई है चीज़ें उन पे करती हूँ और जो मुझे अच्छी लगती हैं, जैसा भी मुझे उनका रिव्यू लगता है मैं वो आपको ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। सो प्लीज, नेक्स्ट वी हैव देयर ओ माई ब्लश पैलेट। ये इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है। इसमें हमें दो कलर्स अवेल मिलते हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है, वेरी क्यूट, वेरी कलरफुल, बहुत खूबसूरत इसकी पैकिंग है। और इसके अंदर उन्होंने हमें मिरर दिया हुआ है और देन इसके अंदर हमारे पास टू शेड, वन इज हमारे पास है रोज एंड द अदर वन इज कोरल। ये जो रोज है इसमें भी हमारे पास एक ये डार्क पिंक शेड है, एक लाइट पिंक है और एक हाईलाइटर। ये थोड़े ग्लिटरी हैं लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत
स्किन डार्क में और आ गया है, ये थोड़ा लाइट में आ गया है, और ये एक बहुत अच्छा हाइलाइटर है। देन हमारे पास यहाँ पे कोरल में एक है ऑरेंजिश, एक पीचिश, और देन इसका भी हाइलाइटर थोड़ा व्हाइटिश हो गया। ये देखिए, ये ऑरेंजिश है, ये पीचिश है, और ये है हमारे पास थोड़ा व्हाइट। आपको इनके स्वाचेस दिखाती हूँ। ये देखिए इनके स्वाचेस, ये हम लोगों ने जो पहले वो बाद में किया कोरल वो है, और ये रोज। ठीक है, ये देखिए आपके ये ब्लश उनके चारों शेड डिफरेंट हैं, और हाइलाइट का भी ये व्हाइट है, ये थोड़ा पिंक में है, तो ये चारों ही डिफरेंट शेड एंड सो प्रीटी एंड पिगमेंटेड। मैंने बिल्कुल हल्का हल्का से लिया है। एंड देखिए, सम ऑफ यू विल बी वॉन्डरिंग के मैंने दो ब्यूटी ब्लेंडर्स क्यों लिए हुए हैं, या फिर मैंने एक मिनी प्राइमर क्यों लिया हुआ है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था काबुकी ब्रश का बताते हुए कि ये मुझे कोड यूज़ करके मिला था, क्योंकि मैंने अब कुछ और भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे। सो अगर आप वो कोड यूज़ करेंगे तो आपको समटाइम्स